यस, पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट, हर बच्चा ये जानता है। पहला इवन नंबर 2 होता है, तो हमें बस 10 नंबर प्रिंट कराने हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास क्लास एक कीवर्ड होता है, दिस इज द क्लास नेम। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, विच स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से शुरू होता है। मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, और सरप्राइजिंगली मैंने इस लूप को 2 से शुरुआत की, 2 से, बिकॉज द फर्स्ट इवन नंबर इज 2। आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना इसमें, आप सिंपल 2 से लेके 20 तक इस लूप को चला दो। 220 से छोटा होता है, यहां पर आई की वैल्यू प्रिंट करा दी विच इज 2। अब यहां पर हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 विच इज 4। यहां पर फिर कंडीशन टेस्ट होगी हमारी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, 4 हमारा 20 से कम है, और यहां पर 4 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 6 होगा, 6 के बाद 8, 10, 12 एंड सो ऑन टिल 20, ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। मैं एक बार आपको इस प्रोग्राम को चला के दिखाना चाह रहा हूं। मैंने ब्लूजे ऑन किया, आप एक हैबिट लेके आना। मेरी क्लास का नाम क्या है, इवन डेमो 1, इवन डेमो 1। तो इसी नाम से मैं यहां पर एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। हम न्यू क्लास पर आए, और यहां पर मैंने एक नाम लिखा बेटा, इवन डेमो 1, देन क्लिक ऑन ओके बटन। जस्ट डबल क्लिक किया इसके ऊपर, जो पहले से जो डेटा लिखा हुआ आ रहा है ना, उसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, एंड आई हैव डिलीटेड ऑल, पूरा डेटा मैंने यहां से हटा दिया है। और ये पूरा कंटेंट जो मैं अभी आपको समझा रहा था, उसे मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। जस्ट कंपाइल इट, देखिए नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं आ रही है। और इसी चीज को फिर मैंने यहां पर आके राइट क्लिक किया, मेन में गए, ओके पर क्लिक किया, और देखिए दीज आर द वैल्यूज 2, 4, 6। अब देखो ये एक के नीचे एक क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहां पर प्रिंट एलएन मेथड का यूज किया है। मैं चाहूंगा आप चाहो तो कोई कॉपी पेन अपने साथ रखिए, बट ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अभी आप बोलना मत, मैं आपसे खुद क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, देन यू कैन आस्क एनीथिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई होप इस पूरे प्रोग्राम में आपने क्या देखा कि हमने शुरुआत कहां से की, 2 से चला कहां तक रहे, 20 तक, और इसमें प्लस 2 करते हुए जा रहे हैं हम लोग, राइट। सो इसे मैंने एक बार क्लोज किया, आई हैव क्लोज दी ऑल थिंग्स। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अभी ग्रुप में लिंक में भेज दूंगा, आप इसे देख भी सकते हैं फिर से। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। अब एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, अगेन वो इवन डेमो से रिलेटेड है। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट एन इवन नंबर। एन से मेरा मतलब ये है कि हम यूजर से पूछेंगे कि कहां तक की इवन वैल्यूज आपको प्रिंट करानी होती है। आप इवन नंबर में हमेशा दो चीजें समझने की कोशिश करें कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और उनकी शुरुआत हमेशा 2 से होती है। तो यहां पर आपको डिवाइड करने की या मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। यू शुड स्टार्ट विद 2 और उसमें प्लस 2 करते चले जाएं आप लोग, उसमें हमेशा आप क्या करते चले जाएं, प्लस 2। तो मैंने इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, क्लास बन गई, दिस इज द मेन मेथड, और हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और यहां पर इनपुट हम कहां से ले रहे हैं, कीबोर्ड से। कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिस्टम डॉट इन। और मैंने यहां पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई एन और ई, ई फॉर इवन, और इनिशियली मैंने उसको क्या वैल्यू दे रही है बेटा, 2। फिर मैंने यूजर से वैल्यू ली, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एन में लेट अस अज्यूम आप 20 ही ले लीजिए मान के चलिए,
20 आपने ले लिया और n की वैल्यू क्या हो गई होगी 20, तो 1 से लेके 20 तक चलेगा। पुराने वाले प्रोग्राम में हमने i इज इक्वल टू i प्लस 2 किया था बिकॉज i वॉज प्रिंटिंग द i। इस प्रोग्राम में हम e को प्रिंट करा रहे हैं और e की इनिशियल वैल्यू कितनी है 2। तो जब हम e इज इक्वल टू e प्लस 2 करेंगे तो 2 के बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर 20 इवन नंबर हमारे प्रिंट होंगे 20। आप एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखिए। मैं ब्लूजे में आया, न्यू क्लास में गए हम और मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा इवन डेमो 2। देन आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके बटन, सिंपल इवन डेमो 2 पर क्लिक किया। जो पहले से जो कंटेंट आ रहा था उसको मैंने डिलीट कर दिया है और इस कोड को मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आई हैव जस्ट कंपाइल्ड इट। देखिए यहां पे नो सिंटेक्स एरर। आप पहले आउटपुट देखना चाहेंगे, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, मेन में आया, देन आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके बटन। देखिए आपने एंटर द वैल्यू ऑफ एन। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं कितने इवन नंबर प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैंने कहा मैं 5 इवन नंबर चाहता हूं, बस 5। तो मैंने 5 लिखा, मैंने एंटर प्रेस किया, सी 5 ही इवन नंबर आ रहे हैं, 2 उसके बाद 4 6 8 और 10। अब आपको ये समझना पड़ेगा हुआ क्या होगा। आपने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ एन और एन में क्या आ गया होगा 5। व्हाट वी हैव स्टोर्ड इन दिस वन 5। कल मैं आपको पेन और लेके आऊंगा, एक मेरे सेंटर पे रखा हुआ है, आपसे मैं इसका एक्सपीरियंस जानूंगा। मैं जो भी अभी बोल रहा हूं वो सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये प्रोग्राम फिर आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देख देख कर, बस आपको घर पे इंटरनेट का देखना है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट की फैसिलिटी कितनी है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, राइट। एंटर द वैल्यू ऑफ एन और वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर होगी, इसमें एन की वैल्यू 5 है, ध्यान रखना। अभी अभी तुमने यहां पर क्या डाला था 5, वो वैल्यू हमारी इसमें आके स्टोर होगी। देखो अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। इनिशियली ई की वैल्यू हमने प्रिंट कराई और ई में आपने क्या दिया था 2, और उसके बाद ई इज इक्वल टू ई प्लस 2 हो रहा है, तो यानी कि 2 के बाद 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ और देन क्या हुआ होगा 10 हुआ होगा। सो ओवरऑल आपने अभी तक 2 प्रोग्राम देखे एंड बोथ प्रोग्राम आर रिलेटेड विद द इवन नंबर। दोनों ही प्रोग्राम इवन से ही रिलेटेड थे। अगेन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ये सारे सरल सरल प्रोग्राम है। देखिए फाइनल टर्म में कुछ भी आ सकता है। मैं आपको सैटरडे संडे शायद ये कंप्लीट भी नहीं करा पाता। अब मैं आपकी क्लास 4 दिन तो ऐसे ही लूंगा, मैंने आपको एक शेड्यूल भेजा हुआ है और धीमे धीमे आप यूज्ड टू हो जाएंगे। आप कभी भी पहली बार कोई भी काम करते हैं उसमें कठिनाई होती है, किसी बच्चे से ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई परेशानी, वो मुझे इंस्टीट्यूट पर आके मिले, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा उसमें, राइट। हमने एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय द यूजर। हम कोई भी यूजर से एक नंबर लेंगे और उसकी एक टेबल प्रिंट करा देंगे। लेट अस अज्यूम मैंने 7 एक नंबर लिया, 7, तो 7 की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी, 7 × 1 7, 7 × 2 14, 7 × 3 21 एंड सो ऑन। एक बार पहले चला के देखते हैं इस चीज को, एक बार पहले इसको चला के देखेंगे। न्यू क्लास, दिस इज दी क्लास का नाम मल्टीपल। ओके पर क्लिक किया, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड आई हैव क्लोज्ड इट। मैं आप लोगों को सिंपल म्यूट कर रहा हूं अभी, राइट। ओके, यहां पर आके मैंने वो प्रोग्राम लिखा, राइट। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ अ नंबर। नंबर तो हम लेंगे, कंपाइल कराया, देखो नो सिंटेक्स एरर, सीधा आउटपुट फर्स्ट।
मैंने इसके सिर पर राइट क्लिक किया, मेन में आया, ओके पर क्लिक किया और मुझे सेवन की टेबल प्रिंट करानी। मैंने सेवन डाला एंड बिलीव मी, देखिए सेवन इंटू वन इज इक्वल टू सेवन, सेवन इंटू टू इज इक्वल टू 14, सेवन इंटू थ्री इज इक्वल टू 21 एंड सो ऑन। तो ये आया कैसे होगा, ये आप एक बार समझ लीजिए, राइट। एक बार इसका पूरा फ्लो समझाता हूं। हमने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ एन, आपने सेवन डाला था, नेक्स्ट इंट से वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई बेटा, एन में, सेवन। अब टेबल तो टेन तक होती है, तो हमने एक लूप चला दिया वन से लेके टेन तक, और यहां पे क्या हो रहा है, देखिए एन था ना, एन में क्या था सेवन, तो सेवन इंटू वन, एम में रिजल्ट आ गया सेवन। यहां पर पहले मैंने एन को प्रिंट कराया विच इज सेवन, यहां पे आई की वैल्यू प्रिंट हुई विच इज वन। डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखना, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होता है। ये इंटू इंटू नहीं कर रहा है, ये इंटू हमारा इंटू नहीं कर रहा, इंटू कौन कर रहा है, ये वाला चीज। तो डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होती है। और ये प्लस जो है ना, प्लस ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ रहा है। यहां पर ये भी एक प्लस लगा, आई की वैल्यू आई, तो जो ये वाली सिचुएशन है वो कौन सा वाला, दिस वन। देखो ये इंटू आ रहा है ना, और ये इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये आ कहां से रहा, इस जगह से। सो एंटर वैल्यू ऑफ एन, आपने सबसे पहले यहां पर सेवन लिया, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, सेवन इंटू वन, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, सेवन इंटू टू, सेवन इंटू थ्री एंड सो ऑन, यही दौर चलता चला गया होगा। आप ये प्रोग्राम, जब मैं आपको रिकॉर्डिंग ये भेज दूंगा, थोड़ी देर में भेज रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ये सारे प्रोग्राम नोट डाउन कर लेना, राइट। सो मैंने इसे क्लोज किया, आपने नोटिस किया होगा मैं तीन प्रोग्राम अभी तक पढ़ा चुका हूं, इवन डेमो वन, इवन डेमो टू और मल्टीपल। अभी मैं एक फोर्थ प्रोग्राम आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्या प्रोग्राम है बेटा वो देखिए, अ परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डिवाइजर को अगर जोड़ा जाए। सर हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं, ये वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, तुम्हारा माइक खराब है, एक चैट बॉक्स और होता है, इसमें आप कहीं चैटिंग का ढूंढे तो, दिस इज द चैट बॉक्स। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ अभी, सॉरी हेलो, तो आप बोलो मत, लिख दीजिए अगर आपको लिखना आता है। यस, गौरांग ने टाइप किया हेलो, गौरांग जादौन, तो प्लीज नो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, हु इज लाइक टेलिंग, ओके यहां नहीं लिखना है बेटा, लौट के आइए थोड़ा सा, ये इरेज करो तुम अपनी तरफ से गौरांग। यस, चलिए मैं परफेक्ट नंबर के बारे में आपको बता रहा हूं, मुझे सुनेंगे आप। अ परफेक्ट नंबर इज सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, पहला परफेक्ट नंबर बेटा 6 होता है, फॉर एग्जांपल 6 इज अ परफेक्ट नंबर, व्हाई सो, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, आर इट्स डिवाइजर, एंड द सम ऑफ द डिवाइजर इज व्हाट, 1 प्लस 2 प्लस 3 करना कितना बैठेगा, 6। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डिवाइजर का भी सम अगर नंबर के बराबर होता है। बट आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, उस नंबर को उसमें इंक्लूड मत करना,
उस नंबर को उसके अंदर इंक्लूड मत करना। जैसे मैंने सिक्स को कहां इंक्लूड किया, इसमें वन को, टू को और थ्री को। सिक्स तो तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो दीज आर द डिवाइजर। तो प्रोग्राम क्या है बेटा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, चेक एंड प्रिंट इफ इट इज अ परफेक्ट और नॉट। तो मैंने जावा डॉट यूटिल लिया, क्लास बनाई, एक बार चला के दिखाता हूं मैं तुम्हें से। मैं फिर से ब्लू जे पर आया, न्यू क्लास, परफेक्ट, ओके पर क्लिक किया। प्लीज उधर से कोई भी डिस्टरबेंस मत करिए। हम यहां पर आए और इसे कंपाइल करिए, समझेंगे बाद में। देयर इज नो सिंटैक्स एरर, राइट? डोंट डिस्टर्ब, राइट? अभी कंपाइल किया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रही इसमें। आप इसके सिर पर राइट क्लिक करिए, मेन में जाइए, ओके पर क्लिक किया, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। जैसे मैंने सिक्स डाला इसमें, सी इट इज अ परफेक्ट नंबर। बट अगर आप इसी प्रोग्राम को फिर से चलाएं एक बार, ओके पर क्लिक किया, एंड यू आर पुटिंग व्हाट, सेवन। मैंने एंटर प्रेस किया, नॉट अ नंबर, यस, सॉरी, सेवन में किस किस से डिवाइड हो रहा होगा ये? वन और सेवन, नहीं वन सेवन तो इंक्लूड ही नहीं होगा ना उसके अंदर। ओके, दोनों जगह मुझसे सेम मैसेज लग गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, दोनों जगह मुझसे सेम मैसेज लग गया। अगेन आई एम कंपाइलिंग इट, राइट क्लिक, मेन में आया, देन आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके, एंटर एनी नंबर। जैसे मैंने सेवन डाला, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, राइट? सी इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब आपको मैं रिपीट कर दूं, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डिवाइजर का सम अगर नंबर के बराबर हो, बट उसमें उस नंबर को हम इंक्लूड नहीं कराते। जैसे सिक्स, सिक्स इज द परफेक्ट नंबर, राइट? जैसे मैंने सिक्स डाला इसमें, देन इट इज अ परफेक्ट नंबर। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को एक बार समझें। मैंने यहां पर क्लास बनाई, दिस इज द मेन, स्कैनर बनाया। देखो, जहां कहीं हम सम वगैरह करते हैं उसमें इनिशियल वैल्यू हम जीरो दे लेते हैं, राइट? अब हमने बोला एंटर एनी नंबर, आपने अभी भी सिक्स डाला था, आपने देखा होगा वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई, एन में। अब हमने एक लूप चलाया वन से लेके, यहां ध्यान रखना हमने लेस देन एन लिखा है। अगर मैं लेस देन इक्वल कर लेता तो वो नंबर भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता। हमें सिक्स को इंक्लूड नहीं करना है। हमने कहा नंबर मॉड्यूलस बाय आई, तो ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, वन से, टू से और थ्री से। और तीनों नंबर्स को हमने किस में आके स्टोर कर लिया है बेटा, एस में। और फाइनली अगर इस सम की वैल्यू अगर इस एन के बराबर है तो ये कैसा नंबर है बेटा, ये परफेक्ट नंबर है। इट इज अ परफेक्ट नंबर। आपने नोटिस किया होगा मैंने सेवन डाला था, अब सेवन किस से डिवाइड हुआ होगा, वन से। उसके अलावा तो किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो वन तो सेवन के बराबर नहीं है ना, तो वहां पर फिर क्या आ रहा था, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो मैंने आपको अभी ओवरऑल कितने प्रोग्राम्स पढ़ाए, इवन डेमो वन, इवन डेमो टू, मल्टीपल और परफेक्ट। एक प्रोग्राम और पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, इस प्रोग्राम को आपको एक बार देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। अक्लोग शोरूम हैज अनाउंस द फेस्टिवल डिस्काउंट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम विच इज परचेज्ड। अगर किसी बंदे ने 2000 रुपए तक की शॉपिंग की है तो उसको
5% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा बेटा? 5% का। अगर किसी की शॉपिंग 2000 से ज्यादा है और 5000 तक है तो उसे 25%। आई थिंक स्लैब आपको समझ में आ गए होंगे। 5000 टू 10000 है तो इतना परसेंट मिलेगा, और ग्रेटर देन 10000 से, ग्रेटर देन 10000 अगर आपकी शॉपिंग है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द टोटल कॉस्ट एंड कंप्यूट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड। तो भाई साहब जो भी कॉस्ट आपकी है उसमें बस डिस्काउंट को माइनस करना है। हमेशा ध्यान रखना, बच्चा गड़बड़ कर देता है, जब हम डिस्काउंट बोलते हैं तो उसको माइनस किया जाता है। डिस्काउंट जैसे आप किसी को कोई चीज दे रहे होते हैं, नहीं लगना दे रहे होते हैं। सर कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है बताइए? गौरा, ये मैं फिर आपको इस लिस्ट में से हटा दूंगा। राइट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द टोटल कॉस्ट। सो हाउ वी डू इट, इंपोर्ट किया मैंने जावा का यूटिल पैकेज, एक क्लास बनाई, दिस इज द मेन मेथड, ये मेरा मेन मेथड है। हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आई हैव क्रिएटेड सम वेरिएबल्स। अब आप देखिए जहां डिवीजन विविजन होता है ना, वहां पर डबल टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं हम लोग। यहाँ पर डिस्काउंट अभी कितना है? 0.0। हमने आपसे कहा एंटर द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, एंटर द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो हमने नेक्स्ट डबल से Please mute yourself. Enter the total cost. आपने यहां पर अमाउंट में वो टोटल कॉस्ट ले ली, राइट? नेक्स्ट डबल करके एक मेथड क्यों लिया है बेटा? क्योंकि हम डबल टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। What kind of the value we are taking? Double type. Sir. Yes. अच्छा, ये अनिकेत था। ओके, नो आकाश, प्रोग्राम को लिखो मत। एक्चुअली मैं आपको ये रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करा दूंगा, और जो लोग न्यूसेंस कर रहे हैं उनको इसमें से हटा देंगे, उनके पेरेंट्स से बात कर लेंगे। मैंने तो ये अभी ओपन क्यों किया हुआ था इसकी सेटिंग में कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर पाए। अभी लिसन टू मी। एंटर द टोटल कॉस्ट। मैं एक बार इसे चला के दिखा देता हूं। अगर आपकी जो अमाउंट है वो 2000 तक है तो उस पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका अमाउंट 2000 से ज्यादा और 5000 से अगर कम है तो उस केस में 25%। अब देखिए 25% में क्या होता है, डिवाइड बाई 100 होता है। 35% के लिए क्या किया इन्होंने? 0.50, विच इज लाइक, अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 है तो यहां पर ये डिस्काउंट निकल कर आ गया। फाइनली करना क्या है हमें, अमाउंट में से डिस्काउंट को हम हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यहां नेट अमाउंट आ जाएगा हमारा, और नेट टू बी पेड को हम यहां पर क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। सो इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखिए आप प्लीज। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, क्लास का नाम क्या है? कैलकुलेट। हम न्यू क्लास पर आए, कैलकुलेट। सर बोलिए। कैलकुलेट पर आए, ये वेदांश तुम अपने आप को म्यूट करो,
यस ये वेदांश है. कैलक्यूलेट आई हैव कंपाइल्ड दिस प्रोग्राम. मेन में आए हम. डोंट वरी मैं ये लिस्ट में से ही हटा दूंगा. 1500 मैंने डाला. सी नेट टू बी पेड इज व्हाट 1425. Yes, I have removed him. So इस पूरे प्रोग्राम में आपको मैंने वेदांश को रिमूव कर दिया इसमें से. क्लास का नाम हमने क्या रखा था? कैलकुलेट. ये किसी के इसकी आवाज खराब है. दैट्स इट. इस प्रोग्राम में मैंने आपको अभी 5 प्रोग्राम डिस्कस किए हैं. सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, राइट? अभी मैं ये देखता हूं किस किस का मैसेज था. ये